हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जॉबलस 360 यूट्यूब चैनल में आप सबका और फिर से स्वागत करते हैं। इस समय आप देख पा रहे हैं कि तमिलनाडु की दोस्तों के लिए और एक बड़ा वैकेंसीज निकाल लिया गया है, जिसकी डिटेल्स आप इस समय आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस SI पोस्ट के लिए इस रिक्रूटमेंट को छोड़ा गया है। सारी लगभग 1000 वैकेंसीज की है इस रिक्रूटमेंट। सारी डिटेल्स में बातचीत किया जाएगा इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट की विषय को लेकर, जिसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप सब में से जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबाना मत भूले, ताकि वीडियो की अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। और धन्यवाद है और एक बार फिर से उन सब दोस्तों के मैं देना चाहूँगा जो दोस्तों ने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं सारी डिटेल्स इस रिक्रूटमेंट्स का। तो सबसे पहले आपको देखने मिल जाएगा वैकेंसीज, जो 969 वैकेंसीज के लिए इस रिक्रूटमेंट को छोड़ा गया है। आप देख सकते हैं साथ में TNU शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, TNUSRB जिसका फुल फॉर्म है तमिलनाडु यूनिफॉर्म्ड सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो रिक्रूटमेंट छोड़ा गया है। साथ में नीचे आप ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल भी देख सकते हैं, आपको कोई तकलीफ ना हो इसमें, इसलिए मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, बाहर जाके तुरंत इस लिंक पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पर सीधे से जा सकेंगे। तो रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स आप इसमें देख पा रहे हैं कि पोस्ट नेम, साथ में सर्विस नेम और वैकेंसीज, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज आया है, सारी डिटेल्स आप यहां पर देख सकेंगे। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, इस समय जो आप पेज देख पा रहे हैं सरकारी नौकरी खोज.com का एक पेज में ओपन करके सारी डिटेल्स बता रहा हूँ, आपको कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैं इसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर इस पेज पर तुरंत आ सकेंगे। तो पोस्ट नेम की बात किया जाए तो दोस्तों सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, जो सर्विस नेम आप देख सकते हैं तमिल पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस, जिसका वैकेंसी से 660। साथ में इसके बाद पोस्ट नेम देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के लिए, जिसका सर्विस नेम नहीं दिया है, वैकेंसी जो 276 वैकेंसीज के लिए इस पोस्ट के लिए रह गया है। साथ में देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की तरफ से, जिसका सर्विस नेम तमिलनाडु स्पेशल पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस, जिसका वैकेंसी से 33। तो टोटल दोस्तों कुल मिलाकर जो होता है वो बहुत ही बड़ा वैकेंसी से, जो तमिलनाडु की दोस्तों के लिए बहुत ही बड़ा बात है दोस्तों, ये तो कहीं नहीं पड़ेगा, क्योंकि 969 वैकेंसी के लिए इस रिक्रूटमेंट को छोड़ा गया है। तो क्राइटेरिया एज लिमिट आप देख सकते हैं, इसके बाद जो बात करना है एज लिमिट की। तो और एक बात जो मैं इसकी विषय को बात करने से पहले बताना चाहूँगा, जो आपका एज डेट ऑफ बर्थ से लेकर 2019-7-1 तारीख तक आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा, उन हिसाब से आपका मिनिमम 20 से लेकर 28 तक मैक्सिमम आपका एज होना चाहिए। इससे कम और ज़्यादा होने से आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है, 2 ईयर्स फॉर BC और BCM ब्लॉक्ड क्लास मुस्लिम MBC जिसका फुल फॉर्म है मोस्ट बैकवर्ड क्लास। साथ में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है SC यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए। साथ में 7 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, डेस्टिट्यूट विंडोज, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं और कुछ डिटेल्स जो नीचे जाने के बाद आपको दिखने में मिल जाएगा। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, जो हर एक पोस्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा बात होता है, हम तो देख सकते हैं कि कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, ठीक है, आपको बैचलर्स डिग्री पास होना है फ्रॉम ए UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको बैचलर्स डिग्री पास होना है, ठीक है, यही है इस पोस्ट के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। साथ में देखते और कुछ डिटेल्स, तो नीचे जाने के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट लिंक्स आपको दिखने मिल जाएगा, जो कि ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड, आपको कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैं वीडियो के नीचे इसका भी लिंक PDF के थ्रू से लिंक को डाल दूंगा, आप इस लिंक पर क्लिक करके PDF के थ्रू से ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। साथ में एप्लीकेशन लिंक, इसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के जो भी ज़रूरी इम्पोर्टेंट लिंक्स है, आपको कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैं
सारी डिटेल्स लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ में जो सिलेबस अभी भी तय नहीं किया गया है, साथ में एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ऑफिशियल वेबसाइट, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा। तो सिलेबस दोस्तों, और एक बात आप ध्यान देकर सुन लीजिए, सिलेबस, एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट अभी भी नहीं दिया है। जब भी इसका कोई डिटेल्स हमें मिल जाए तुरंत आपको खबर दे दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाना मत भूले, क्योंकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ हम इस चैनल के थ्रू से देते रहते हैं। और बेल को दबाना मत भूले ताकि चैनल के थ्रू से जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपका, आप जो भी डिवाइस यूज़ करते हैं नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और एक बार धन्यवाद है उन सब दोस्तों के लिए जो चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए यही तक। इस विषय में और भी कुछ जानकारी अगर हमें मिल जाए तो तुरंत आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से खबर दे दिया जाएगा। अच्छा रहना सर दोस्तों।